Morning dear students, today we will start with topic sources of electricity. There are three sources of electricity. First is, there are three main sources of electricity are three. First is electric cell, जो dry cells होते हैं, solar cells, and third one is electric generator, जो electric generator होते हैं जिससे electricity generate होती है. First of all, electric cells क्या होते हैं? हम सबको पता है कि जो ड्राई सेल्स होते हैं, उन ड्राई सेल्स का आपको सबको पता है, जो टॉर्चेस में यूज़ होते हैं, रेडियोज में, ट्रांजिस्टर्स में, टॉयज में, क्लॉक्स में जो सेल यूज़ होते हैं वो होते हैं ड्राई सेल. डू यू नो व्हाट इट कंटेन इनसाइड, इसके अंदर क्या होता है? ट्राई टू कट ओपन अ यूज्ड ड्राई सेल. जो आपको यूज्ड मीन्स जो ख़त्म जो होता है ना, यूज़ कर लिया हमने ड्राई सेल, वेस्ट रह जाता है, तो उसे कट करके देखो उसके अंदर क्या मटेरियल होगा. देखो, एक होती है उसके ऊपर होते हैं उसका मेटल कैप, एक कार्बन रॉड होती है, अमोनियम क्लोराइड पेस्ट, नेगेटिव टर्मिनल. देखो, जो ड्राई सेल होता है उसका एक साइड क्या होता है? प्लेन होता है, एक साइड समथिंग ऊपर होता है, ठीक है. एक होता है उसका पॉजिटिव टर्मिनल, एक होता है उसका नेगेटिव टर्मिनल. अ सिंपल फॉर्म ऑफ अ ड्राई सेल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल जिंक कंटेनर विच फॉर्म्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड. क्या होता है सिंपल जो होता है ना ड्राई सेल, वो क्या फॉर्म करता है? एक सिलेंड्रिकल शेप का होता है जिसमें क्या होता है कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड होती है. द इलेक्ट्रोलाइट इज इन द फॉर्म ऑफ अ पेस्ट. इलेक्ट्रोलाइट किस फॉर्म में होती है? पेस्ट के फॉर्म में होती है. अमोनियम क्लोराइड एंड कार्बन रॉड सराउंडेड बाय अ पीस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन दैट एक्ट एज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. ठीक है, क्या होती है उसकी जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट होते हैं, कार्बन रॉड होती है जिसे हम सस्पेंड करते हैं बाय अ पीस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन, जो क्या करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरह एक्ट करता है. सेकेंड इज बैटरी. अब बैटरी क्या होती है? जब हम सेल्स को कंबाइन, जब वी कंबाइन अ नंबर ऑफ सेल्स देन इट फॉर्म्स अ बैटरी, अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन सेल. ठीक है, अगर हम किसी सेल्स को कॉम्बिनेशन में रख देते हैं तो क्या बन जाती है? हमारे पास बैटरी बन जाती है. क्लियर? सी हियर, इफ वी कंबाइन नंबर ऑफ सेल्स देन इट समटाइम्स वन सेल इज नॉट सफिशियंट. ठीक है, कभी कभी एक सेल क्या है, सफिशियंट नहीं होता टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ करंट इन अ गैजेट. फॉर ब्राइटर एंड लॉन्ग लास्टिंग बीम ऑफ लाइट फॉर्म टॉर्च वी यूज टू और थ्री इवन मोर सेल्स. ठीक है, हमें अगर ज़्यादा ब्राइटर लाइट लेनी हो तो हम बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स को कॉम्बिनेशन में बनाते हैं, जिसकी जैसे टॉर्च में होते हैं देर आर नंबर ऑफ सेल्स, तो वो क्या होते हैं एज अ बैटरी एक्ट करते हैं, जिसके वो क्या हो जाते हैं लॉन्ग लास्टिंग हो जाते हैं, उसकी जो लाइट है वो ज़्यादा ब्राइटर हो जाती है. अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स इज कॉल्ड अ बैटरी. मोस्ट टॉर्च लाइट्स हैव टू और मोर सेल्स इन यूज. जो मोस्ट ज़्यादा होती हैं टॉर्चेस जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, दो से ज़्यादा सेल यूज में आते हैं. अ टॉर्च लाइट विद टू और मोर सेल इज कॉल्ड बैटरी. जो टॉर्च लाइट होती है दो और दो से ज़्यादा सेल के लिए, उसे हम बैटरी बोलते हैं. बैटरी ऑफ सेल्स इज ऑल्सो यूज इन ट्रांजिस्टर रेडियो. जो बैटरी होती है वो किस में यूज होती है? ट्रांजिस्टर रेडियोज में भी यूज होती है. इन मोस्ट of clocks and watches a single cell is used. ज़्यादातर जो watch और clocks होते हैं उसमें single cell होता है use. Second is solar cell. अब solar cell क्या होता है? जो solar panels होते हैं, ठीक है, वो consist क्या करते हैं? The sun, उसका main source क्या होता है? Sun. The sun is the main source of energy for the earth. The earth from the sun is called the जो energy sun से आती है उसे हम बोलते हैं solar energy. Solar energy is one of the devices with वर्क बाई यूजिंग सोलर एनर्जी. सोलर सेल क्या है? एक डिवाइस है जो किसके बेस पर वर्क करता है? सोलर एनर्जी के बेस पर वर्क करता है. द सोलर सेल्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जो सोलर सेल्स है वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. सोलर सेल्स आर बींग यूज टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी ऑन अ स्मॉल स्केल फॉर डोमेस्टिक यूज इन विलेजेस. ठीक है, जो स्मॉल सोलर सेल्स होते हैं उसे हम यूज़ करते हैं टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी इन स्मॉल स्केल्स लाइक विलेजेस डोमेस्टिक स्केल्स में. सोलर सेल्स आर ऑल्सो यूज टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू मैन मेड सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग इन आउटर स्पेस. जो सोलर सेल्स होते हैं वो और किसके लिए यूज होते हैं? टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू मैन मेड सैटेलाइट ऑर्बिटिंग इन आउटर स्पेस.
नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम विंड, जैसे विंड टर्बाइंस होते हैं उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जो विंड क्या पोजेस करती है, हमें पता है विंड पोजेस काइनेटिक एनर्जी। द काइनेटिक एनर्जी इज यूज टू रोटेट ब्लेड्स ऑफ अ विंड मिल। एज द ब्लेड्स रोटेट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड इज कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिक एनर्जी थ्रू टर्बाइन। ग्रेटर द स्पीड ऑफ विंड, मोर इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस्ड। जितना ज़्यादा विंड की स्पीड होगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होगी, प्रोड्यूस्ड होगी। नेक्स्ट बेटा इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वाटर, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन होते हैं। फ्लोइंग ऑफ वाटर प्रोजेस काइनेटिक, हमें पता है जो फ्लोइंग वाटर होता है वो क्या प्रोजेस करता है, काइनेटिक एनर्जी। हाउ एवर अ मोस्ट एफिशियंट एंड कन्वीनियंट वे ऑफ यूजिंग द एनर्जी ऑफ वाटर इज टू कन्वर्ट इट इंटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, जो मोस्ट एफिशियंट और कन्वीनियंट वे है ऑफ यूजिंग एनर्जी ऑफ वाटर वो क्या, इज टू कन्वर्ट इट इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस कैन बी डन बाई यूजिंग एस्टैब्लिश हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ऑफ प्लांट्स। द फ्लो एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर इज ट्रैप्ड बाई यूजिंग अ काइंड ऑफ वाटर व्हील कॉल्ड द वाटर टर्बाइन। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक जनरेटर, जनरेटर्स आर डिवाइस विच यूज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाई कन्वर्टिंग कौन सी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी। दिस इज ऑल अबाउट द सोर्सेज ऑफ एनर्जी। Rest of the chapter we will discuss in the next AV. Revise this chapter. Thanks.